पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वही आपको बताते चलें कि लखनऊ में नगर निगम के घोटालों की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। केंद्रीय कार्यशाला के चीफ इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उनकी जांच अब ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 8 वार्डों में हुए काम की चीफ इंजीनियर को कोई खबर नहीं थी और करोड़ों के घोटाले का आरोप है चीफ इंजीनियर नगीना त्रिपाठी पर। आर्थिक अपराध शाखा अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, आरोपों की जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। चीफ इंजीनियर राम नगीना त्रिपाठी पर गंभीर आरोप है, करोड़ों के भ्रष्टाचार और घपलेबाजी के आरोप लगे हैं चीफ इंजीनियर राम नगीना त्रिपाठी पर। जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जय, जो नगर निगम में घोटाले की खबर सामने आई थी उसकी जांच अब ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है, कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी इससे चीफ इंजीनियर राम त्रिपाठी की? जी अदिति जी, जिस तरीके से आपको बता दें नगर निगम प्रकाश मार्ग पे जिस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने नजर आ रहा है उसमें चीफ इंजीनियर राम नगीना त्रिपाठी जी पर आरोप है और उन पर आरोप है कि जिस तरीके से वो बिना टेंडर के बिना बिल पास कराए लगातार वो काम करा रहे थे, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का घोटाला वो कर चुके हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जब अन्वित सचिव मनोज वर्मा जी के संज्ञान में मामला आया, उन्होंने इसको लेकर आगे तफ्तीश किया और इसके लेकर ये जांच किया और इसको इसी प्रकार देखते हुए ईडब्ल्यूओ के द्वारा इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। अब जिस तरीके से इस पर आने वाले समय में जिस तरीके जांच बैठी है, जांच को देखते हुए कहीं ना कहीं आने वाले समय में राम नगीना त्रिपाठी के ऊपर एक बड़ा संकट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रकाश मार का मामला था ये काफी दिनों से चल रहा था और इसकी काफी दिनों से लोग जांच में लगे हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी तरह से कोई पकड़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब इस घोटाले का खुलाकरण हुआ है और जिस तरीके से घोटाला सामने आया है तो उस पर अब देखने वाली बात है, जिस प्रकार से ये जांच गठित की गई है उसके बाद किस तरीके से इन पर क्या क्या कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। ईओडब्ल्यू जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या कुछ अन्य लोगों पर भी जांच की आंच पहुंच सकती है, क्योंकि बेहद बड़ा घोटाला है ये? बिल्कुल अदिति जी, जिस तरीके से ये जांच बैठी है तो राम नगीना त्रिपाठी अकेले ही नहीं, इनके साथ कई लोग संयुक्त होकर इस कार्य में लिप्त होंगे और जब इस तरह लिप्त में जो जो भी दोषी पाए जाएंगे कहीं ना कहीं वो सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला बड़ा है और कई करोड़ों घोटाले का है, नगर निगम में लगातार इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके की ये शिकायत है ये एक बड़ी शिकायत है। जिस तरीके से अब जांच बैठी है, जांच के बाद राम नगीना त्रिपाठी के साथ साथ जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी के साथ कार्रवाई होते हुए साफ नजर आएगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय, और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।